सो हे गाइस व्हाट्सअप, आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पर MI Note 10 Pro Max का अनबॉक्सिंग। सो बेसिकली ये फोन का बहुत ही ज्यादा डिमांड था और इसके पहले मैं Note 10 Pro ऑर्डर करने का सोच रहा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा रश था और कुछ ही पर्सन को यहाँ पर Redmi Note 10 Pro ऑर्डर हुए हैं Amazon से, लेकिन नहीं होने के कारण यहाँ पर मैंने Redmi Note 10 Pro Max ऑर्डर किया है Amazon से नहीं MI स्टोर से, और 2 डेज में ही डिलीवर हो गया। काफी अच्छा फास्ट डिलीवरी देखने को मिल गया। सो विदाउट एनी लेट ये वीडियो को शुरू करते हैं। एक और अंदर में पैकेजिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ बॉक्स के बारे में बात करें तो फ्रंट साइड में आपको Redmi Note 10 Pro Max का यहाँ पर पिक्चर देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर स्पेशलाइज किया गया है कि यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्लियर कैमरा देखने को मिलता है और मेड इन इंडिया का ब्रांडिंग है। बात करता हूँ बैक साइड में, यहाँ पर कुछ खास स्पेक्स दिया गया है ये कैमरा का। यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर लिखा गया है। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर और यहाँ पर 5020mAh का बैटरी। सो बाकी हम स्पेक्स देखेंगे इस मोबाइल को अनबॉक्सिंग करने के बाद। यहाँ पर डिज़ाइन बाय Redmi का ब्रांडिंग है एंड देखते हैं यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली गाइज यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है जो कि फालतू की चीज़ है, कोई पढ़ते नहीं है। और ये है केस कवर। जी हाँ, काफ़ी अच्छा केस कवर है। माना कि 20-30 रुपए का है, लेकिन ये अच्छी बात है कि MI के फ़ोन में हमको केस कवर देखने को मिल जाता है। मोबाइल को देखते हैं बाद में। 33 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और आप अपने फ़ोन को ओनली 40 मिनट्स में फुल चार्ज कर सकते हैं। एंड देखते हैं मोबाइल में आपको कितने स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं सिम ट्रे के। सो बेसिकली हम कर लेते हैं ओपन। सो जी हाँ, यहाँ पर 3 स्लॉट्स हमने सिम पहले से डाल के रख चुके थे, और यहाँ पर आप 2 सिम्स एंड 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं अप टू 1 TB तक। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो इसको करते हैं अंदर। यहाँ पर अगर मोबाइल के लेआउट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर बटन देखने को मिलता है राइट साइड में, और एक फिंगरप्रिंट का हल्का से बम्प है। बात करूं फ्रंट पोर्शन में तो यहाँ पर आपको एक ऑडियो जैक देखने को मिलता है। साथ ही ये फोन में डुअल स्पीकर्स दिया गया है। फ्रंट साइड में स्पीकर ग्रिल दिया गया है, यहाँ पर IR ब्लास्टर और नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन आपको देखने को मिल जाता है। सिम पोर्ट देखने को मिलता है जहां से आप सिम इंसर्ट करेंगे। और वही बात करूं बैक साइड में तो यहाँ पर फिर से आपको एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है, साथ ही टाइप सी से आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं, और एक और माइक्रोफोन आपको देखने को मिल जाता है। फाइनली बात कर लेता हूँ ये फोन के कुछ डिजाइन के बारे में। तो बिल्कुल ये ग्लास एंड मेट फिनिश है। यहाँ पर टच करने में आपको एक काफी प्रीमियम से फील होती है, और क्योंकि एक विंटेज ब्राउन कलर है, यहाँ पर रोज गोल्ड और ब्राउन का मिक्सर कलर दिया गया है जो काफी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है। यहाँ पर IP53 का सपोर्ट दिया गया है। हल्का फुल्का आपके फोन में अगर पानी चले जाता है तो उतना कोई इशू नहीं आएगा। बात करूं फ्रंट साइड में तो आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट दिया गया है जो कि काफी अच्छा है। जैसे हल्का फुल्का गिरता है तो कोई यहाँ पर क्रैक्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। तो गाइस ये फोन की एक स्पेक्स अच्छी लगी। ये फोन ओनली 192 ग्राम का है, ये मेरे को काफी अच्छा लगा क्योंकि जो पोको X3 आई थी यही सेगमेंट में थोड़ा हैवी फोन था, लेकिन आपको ये ओनली 193 ग्राम का देखने को मिलता है। और थिकनेस के बारे में बात करूं तो ओनली 8.3 mm का थिकनेस है जो कि काफी एंड स्लिम एंड स्लीक लगता है। सो गाइस ये फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर देखने को मिलता है जो पोको X3 में यहाँ पर देखने को मिल रहा था। साथ ही हमारा 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट है, और यहाँ पर आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन ये मोबाइल में UFS 3.0 का सपोर्ट नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको UFS 2.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो गाइस अगर ये फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो MI के सभी फोन्स में पहले IPS पैनल के डिस्प्ले देखने को मिलते थे, ये ड्रॉबैक रहती थी, लेकिन Redmi के Note 10 जितने भी सीरीज हैं सभी में हमको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। जी हाँ, सो अगर आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ इंटरटेनमेंट वॉचिंग, साथ ही इस फोन में आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है। सो काफी आपको लैग वगैरह महसूस नहीं होगी अगर आप बिल्कुल यहाँ पर कुछ सर्च वगैरह करते हैं, गेमिंग करते हैं खासकर, तो उस पर्सपेक्टिव से 120 हर्ट्ज डिस्प्ले आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। साथ ही ये फोन HDR10 भी सपोर्ट करता है, सो आपका व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छा रहने वाला है। आप टेस्ट कर सकते हैं कोई भी 4K वीडियो प्ले करके, काफी आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इस फोन के साथ। सो लुक एट द डिटेल्स आर वेरी ऑसम।
सो गाइस ये फोन में आपको डुअल स्पीकर्स देखने को मिल जाता है, साथ ही डुअल माइक्रोफोन। अब जल्दी से कर लेते हैं ये फोन की ऑडियो क्वालिटी टेस्ट। सो आपको एक स्टूडियो टाइप का यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों साइड से यहाँ पर आपको साउंड आती है फ्रंट एंड बैक। सो इस प्रकार की कुछ साउंड क्वालिटी आपको ये फोन के साथ देखने को मिल जाता है। सो गाइस ये फोन में आपको पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, बैक पैनल में नहीं देखने को मिलता। अगर इन डिस्प्ले रहता तो काफी अच्छा रहता। ये जैसे ही टच करता है बहुत ही ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है, और मैं यहाँ पर फेस रिकॉग्नाइजेशन भी यहाँ पर जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ। काफी फास्ट यहाँ पर फेस रिकॉग्नाइजेशन वर्क कर रहा है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी कोई इशू नहीं है, और फिंगरप्रिंट भी काफी फास्ट है। सो गाइस यहाँ पर आपको MIUI का 12.0.6 वर्जन देखने को मिलता है, साथ ही एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट बिल्कुल लेटेस्ट है, वो आपको 1FAP को मिल गया था। सो गाइस यहाँ पर कैमरा ओवरव्यू के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको फोटो मोड देखने को मिलता है, देन यहाँ पर आप वाइड एंगल में जा सकते हैं 0.6S करके, और यहाँ पर डायरेक्ट 2X का ऑप्टिकल जूम तो नहीं, एक डिजिटल जूम देखने को मिल जाता है। ओके, देन यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है। सो पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी अच्छा है, हम सैम्पल्स आपको शेयर करेंगे, एंड ये एक्चुअली एज डिटेक्शन नहीं कर पा रहा है क्योंकि एक ह्यूमन ऑब्जेक्ट नहीं है, बाकी यहाँ पर परफेक्ट कर रहा है। देन यहाँ पर मोर में जाएंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, नाइट मोड और 108 मेगापिक्सल कैमरा का मोड, शॉर्ट वीडियो, पैनोरोमा शॉट्स, डॉक्यूमेंट्स, वीलॉग मोड देखने को मिलता है, जैसे आप सिनेमेटिक बी रोल्स वगैरह लेते हैं तो वहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर स्लो मोशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, स्लो मोशन में बेसिकली आप 1000 पिक्सल में 120 फ्रेम पर सेकंड तक का स्लो मोशन ले सकते हैं, एंड 720 पिक्सल में आप 960 फ्रेम पर सेकंड तक का स्लो मोशन ले सकते हैं। यहाँ पर क्लोज करता हूँ मैं करेंटली स्लो मोशन को, एंड यहाँ पर आपको टाइम लैप्स वगैरह भी देखने को मिलता है, ड्यूअल वीडियो से बेसिकली हम यहाँ पर फ्रंट और रियर कैमरा दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी भी दिया गया है, जैसे आप अगर मूविंग क्राउड का लेना चाह रहे हैं, नियोन ट्रेल्स, मतलब जैसे सिटी में ट्रैफिक रहता है बहुत ज़्यादा गाड़ी, यहाँ पर अगर आप फोटो में जाएंगे तो आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलता है, आप बहुत से रिजर्वेशन में यहाँ पर फोटो क्लिक कर सकते हैं। मूवी फ्रेम का ऑप्शन देखने को मिलता है, सुपर मैक्रो, ये फुटेज हमने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ सैंपल क्लिक किया, आपको देखने को मिल जाएगा। प्रो कलर देखने को मिलता है, जिसमें थोड़ा आपको कलर को बूस्ट करके देता है इन सुपर मैक्रो मोड और इन आल्सो इन नॉर्मल मोड। देन अगर वीडियो सैंपल के बारे में बात करूं तो यहां पर आप 4K 30 फ्रेम पर सेकंड में शूट कर सकते हैं, एंड मूवी फ्रेम का भी ऑप्शन दिया गया है। प्रो मोड देखने को मिलता है, जिससे आप यहां पर रॉ में भी फोटो खींच सकते हैं, ये अच्छी बात है, रॉ में यहां पर फोटो खींच सकते हैं, अपने हिसाब से वाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं, फोकस यहां पर अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे पास का ऑब्जेक्ट है फोकस यहां पर आसानी से कर सकते हैं। शटर स्पीड यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं, देखिएगा शटर स्पीड कम ज्यादा। दिस इज ऑल अबाउट द रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स कैमरा ओवरव्यू। सो गाइस ये जो फोटो देख रहे हैं वो 108 मेगापिक्सल में लिया गया है, सैमसंग का HM.2 सेंसर है जो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, आप देख सकते हैं मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, द डिटेल्स आर वेरी एक्सीलेंट, नो इशू एट ऑल, और यहाँ पर कलर्स भी काफी अच्छा है, डायनेमिक रेंज भी काफी अच्छा है, आप बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका जो फाइल साइज बनता है वो काफी ज्यादा